1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया, कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया, जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली, आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं, और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया, किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए थे, अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 को एमएलए जीते हैं तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी कॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा, 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया, 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं, 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीत कर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी।